हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की? वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। दोस्तों, फैमिली वेलफेयर यानी कि एक सैनिक के परिवार के वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम एक यूनिट कंडक्ट करती थी पहले। उसमें क्या होता था कि यूनिट में जो भी फैमिलियाज होती हैं, एक जवान से लेके एक जीसीओ साहिबान से लेके अफसर साहिबान के, वो लोग आते थे। एक खुशनुमा वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जवान, जैसे हमारी जो सैनिकों की वाइफ्स हैं या जीसीओ साहब की या अधिकारी की, तो उनके हस्बैंड वो अपनी आर्मी ड्यूटी ट्रेनिंग करते हैं, तो परिवार को एक सुख दुख के लिए या आपसी मनोरंजन के लिए कि चलो एक आदमी अपने घर परिवार से दूर है, सेना में कोई कहीं पोस्टिंग है, कोई कहीं पोस्टिंग है, तो विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं वहाँ पे। आर्मी में का एक परिवार अपना परिवार हो जाता है, तो उस परिवार के नाते एक फैमिली वेलफेयर किया जाता है कि चलो आपके हस्बैंड की जो दुख तकलीफें हैं उनको यहाँ बता जाए ताकि उसका कुछ समाधान हो सके, या कोई भी फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फैमिली वेलफेयर होता था। लेकिन अब फैमिली वेलफेयर हो रहा है अपनी सीनियरिटी जानने के लिए, जहाँ की एक सीईओ की औरत एक नायक साहब की वाइफ को टॉर्चर करती हैं कि तुम्हें इज्जत करना नहीं आता कि सीईओ की वाइफ का, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, तुम जानती नहीं हो सीईओ की बीवी की पावर को कि क्या होती है। तो वो अपनी सीनियरिटी जानने के लिए सेना में आई हैं, और वो जो नायक साहब की जो वाइफ थी, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल बखूबी बोला कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से यहाँ आए हैं, और ये उन्होंने अपनी बात आगे रखी। बदले में उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया, उनके हस्बैंड को ऑफिस में बुला के टॉर्चर किया गया और उनको यूनिट खाली करने के लिए बोला गया कि आप यूनिट से क्वार्टर, आप इसको घर छोड़ के आओ। और जब उन्होंने आउट लिविंग की सेंशन मांगी तो वो भी उनको नहीं दी गई। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपसे बात करता हूँ। जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसको आप सभी ने देखा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मुझे वो ऑडियो को अपलोड करना पड़ा। लगभग 3 महीने से मुझे सीईओ की वाइफ परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बल्कि जब मैंने ये कदम उठाया, ये मैंने कदम उठाया है इस बात का मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, फिर भी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ उस दिन मेरे हस्बैंड को कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और उन्हें ये धमकी दी गई कि तूने ये क्यों किया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको रेजिमेंट की इज्जत की पड़ी है ना, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इज्जत के लिए इतना मरते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं जैसा उन्होंने किया। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीईओ की वाइफ मुझ पर ऑर्डर झाड़ती है, मुझको ऑर्डर देती है कि रूम खाली करो, क्यों आई यहाँ पे, दूसरों का हक तुम खा रही हो, और तुम जैसियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जाकर क्या करती हो। क्या जानती है वो मेरे बारे में? मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो क्या जानती है, क्यों वो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ ऐश मस्ती करने आई हो। एक औरत के लिए इस तरह की बातें बोलना शोभा देती है क्या? ये वो औरत नहीं समझती, क्योंकि उसको बहुत घमंड है। घमंड इस बात का है कि वो एक अफसर की वाइफ है, इसीलिए उसको घमंड है। वो जो चाहे बोल सकती है और जो चाहे जिस पे चाहे अत्याचार कर सकती है। वो मुझे रूम खाली करने का ऑर्डर दे देती है और 2 दिन बाद फिर से यही कहती है कि रूम खाली हुआ कि नहीं हुआ। जिस पर मैं ये कहती हूँ कि मैम, मेरे हस्बैंड को ऑर्डर नहीं मिला है रूम खाली करने का, तो मैं अकेले रूम कैसे खाली कर सकती हूँ? तो वो ये कहती है कि ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं अभी ऑर्डर दिलवाती हूँ। वो सीईओ है जो वो ऑर्डर दिलवा रही है कि वो क्या समझती है खुद को? तो उसने सीईओ को कॉल कर दिया होगा, उसके 2-3 मिनट बाद ही इनको कॉल आता है, तो जिसमें ये कहा जाता है कि तू अपनी वाइफ को बोल कि वो सीईओ की वाइफ से सॉरी फील करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और वैसे तेरी वाइफ की औकात ही क्या है कि वो एक सीईओ की वाइफ से ऐसे बात करे और ऐसे उसके सामने खड़ी होके बात करे, ऐसी उसकी औकात ही क्या है? इस तरह से उसने मुझे कहा। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है जिससे कि वो माफ़ी मांगे, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
उसके बाद क्या होता है कि इसका रीजन जानने के लिए मेरे हस्बैंड सीओ से मिलने जाते हैं और मेरी रिपोर्ट्स को भी साथ में लेके जाते हैं। सीओ को पता होता है कि मुझे यहाँ रूम इसीलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ उन्हीं को रूम मिला था जिनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे भी इसीलिए रूम दिया गया था। पर सीओ ने रिपोर्ट्स देखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम है। तब भी उसने यही कहा कि रूम खाली कर दे या मेरी वाइफ से माफ़ी मांग ले। क्यों? उसकी वाइफ से क्यों माफ़ी मांगे? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मैं माफ़ी मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। आप लोगों ने ऑडियो में सुना ही होगा कि मैंने कौन सा गुनाह किया था। ऐसी मैंने क्या बात उसको बोली थी कि सिर्फ सीओ या सीओ की वाइफ ही मुझे नहीं झुका रहे थे, बल्कि रेजिमेंट के बहुत सारे बंदे मुझे झुकने को बोल रहे थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस पर से क्या हो गया कि सीओ ने रूम खाली करने का ऑर्डर दे दिया कि आपको यहाँ पे 2 साल, पिछली लोकेशन में आपको 2 साल हो चुके हैं, यहाँ आपको 3 महीने हो चुके हैं, अब आपको रूम खाली करना ही होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे तो रूम से निकाला गया, मेरी प्रॉब्लम थी फिर भी मुझे रूम से निकाला गया, पर जो लेडी यहाँ पे रह रही है, जिस दिन मुझे रूम से निकाला गया उसी दिन वो लेडी यहाँ आई है, क्योंकि ये प्लानिंग सीओ की वाइफ की पहले से ही थी। वो उस लेडीज को लाना चाहती थी जो उसकी पर्सनल है, और उसने उसी दिन उसको लाया जिस दिन मुझे निकाला गया। ये तो बात साफ साफ जाहिर हो रही है ना, सबको दिख रहा है कि उसने उसी दिन उसको बुलवाया जिस दिन मुझे निकाला गया, क्योंकि वो उसकी पर्सनल थी और वो लगभग 7-8 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, बल्कि यहाँ तक कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उसको रूम दिया गया। और जिनको हम जैसो को प्रॉब्लम है हमें रूम से निकाला गया। मेरे अलावा वहाँ 2 फैमिलीज और भी रह रही थी, उनको कभी भी 3 महीने के अंदर कोई कॉल नहीं आया सीओ की वाइफ का, यहाँ तक कि वो उनका हाल चाल भी नहीं पूछती थी, बस वो मुझे ही कॉल करती थी और रूम खाली करने के लिए बोलती थी। ऊपर से मेरे करेक्टर पर उंगली उठाती थी। क्या हक है उसको दूसरों को करेक्टर पर उंगली उठाने की? तो मेरे हस्बैंड को 2 दिन के अंदर रूम खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। मेरे हस्बैंड सीओ से ये भी पूछते हैं कि सर मुझे आउट लिविंग दी जाए, मैं अपनी वाइफ को सिविल में रखना चाहता हूँ। जिस पर से सीओ यही कहता है कि नहीं, मैं तुझको आउट लिविंग नहीं दूंगा क्योंकि तेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तू और तेरी वाइफ तो बहाने मारकर यहाँ रह रहे हो, तुम तो झूठ ही बहुत ज़्यादा बोलते हो। बल्कि रिपोर्ट्स को देख कर भी उसने इग्नोर कर दिया, उसने रिपोर्ट्स भी नहीं देखी। तब उसने बात को पलट दिया और यही कहा कि 2 साल हो चुके हैं, अब रूम खाली कर दो। मैं ये सोच रही हूँ कि एक सीओ होकर, वो इतनी ऊंची पोस्ट पे होकर अपनी वाइफ के इशारों पे नाचता है, वो भी उस वाइफ के इशारों पर जो वाइफ झूठ बोलती है और झूठ के सिवा कभी सच बोलती ही नहीं है, जिसने झूठ झूठ बोलकर ही मेरे साथ इतना अत्याचार किया, मुझे मेंटल हरासमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया 3 महीने से, और मेरे हस्बैंड को भी यूनिट में टॉर्चर किया गया। सब लोग उनको टॉर्चर करते थे, यूनिट का एक एक बंदा उनको टॉर्चर करता था, कोई उनके फेवर में नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि सब यही सोचते थे कि हम भी फंसेंगे, ये ऐसा काम कर रहा है तो इसके साथ हम ना कहीं फंस जाए, इसीलिए सब साइड में हो गए, और मेरा हस्बैंड एक साइड, पूरी यूनिट एक साइड, किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं थी, ये परेशान रहते थे और मुझे कभी भी इन्होंने अपनी परेशानी नहीं बताई। हालांकि घर पे आते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, क्योंकि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं परेशान रहती हूँ बहुत, इसीलिए शायद ये मुझे नहीं बताना चाहते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ। बहुत टाइम से ये परेशान थे। एक दिन जब मैंने इनको कॉल किया तो ये रोने लग गए फ़ोन पे, एकदम से इनको रोना आ गया। तो मैंने ये कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ठीक है, ये बात है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, हर एक बंदा मुझे धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी धमकी मुझे दे रहा है, इसलिए हम रूम खाली कर देंगे, हमें यहाँ पे नहीं रहना है जहाँ पे इतनी धमकियाँ दी जाती है। उसके बाद फिर भी इन्होंने सीओ से एक बार फिर रीजन पूछा कि सर हमारा रूम खाली क्यों किया जा रहा है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें इस तरह से रूम से नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर भी सीओ ने इस बात को नहीं माना और उसने लेटर दे दिया रूम खाली करने का। ठीक उसके 2 दिन बाद यही ऑर्डर आता है कि 1 घंटे के अंदर रूम खाली करो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक ऑफिसर का रूम खाली होता है, जब एक ऑफिसर कहीं पोस्टिंग जाता है या कहीं भी रूम शिफ्ट करता है, उसके सामान की पैकिंग के लिए एक तो 10-12 बंदे होते हैं,
और ऊपर से वो 2-3 महीनों से उसकी पैकिंग चलती है, और जब हमारे लिए रूम खाली करने के लिए बोला गया तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया गया। 1 घंटे में कौन रूम खाली कर सकता है, और ना हमारे पास कोई गाड़ी थी ना कोई साधन था कि हम कैसे घर जाएं। फिर भी हमने जैसे तैसे अरेंज किया, जो हमारे पे बीती वो हमें जानते हैं कैसे हमारे पे बीती, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे रीजन नहीं दिया गया कि क्यों मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे बदनाम किया गया सीईओ की वाइफ के द्वारा और रूम से निकाला गया, अगर मुझे सही डिसीजन नहीं मिला और इस बात का रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था, तो मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम भी लूंगी और सीईओ और उसकी वाइफ का नाम भी लूंगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि रेजिमेंट की बदनामी होगी कि क्या होगा। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, और जो रेजिमेंट की इज्जत की बात आती है, मैं समझती हूँ कि रेजिमेंट को बहुत टाइम हो गया है स्टैंड हुआ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से खड़ी है रेजिमेंट, इज्जत होती है। वो इज्जत इन अफसरों ने ही नहीं बनाई है, वो इज्जत जवानों ने बनाई है अपने खून पसीने से, और बेइज्जती इनकी हो रही है कि हमने रेजिमेंट खड़ी की है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। रेजिमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सीईओ का नाम नहीं आना चाहिए, सीईओ की वाइफ का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर मुझे रीजन नहीं मिला तो मैं 2-4 दिन के अंदर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी, और जिसमें मैं सबसे पहले रेजिमेंट का ही नाम लूंगी और सीईओ और सीईओ की वाइफ का नाम लूंगी। और साथ में मैं ये भी कह रही हूँ कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी होंगे, अगर उनको किसी भी तरह से परेशान किया गया, उनको हरासमेंट किया गया और उनको कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेवार ऐसे सीईओ और सीईओ की वाइफ होंगे। ये मेरी वार्निंग है, ये मैं वार्निंग दे रही हूँ, और रेजिमेंट का नाम मैं पक्का लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले कि मुझे रीजन दिया जाए मुझे रोम से क्यों निकाला गया, और जो मेरी इज्जत को उछाला गया है ना, उसका भी मुझे रीजन चाहिए। जो लेडी मेरे बारे में जानती नहीं है वो मेरी इज्जत किस तरह उछाल सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की, वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पर नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। हम तो कभी किसी की इज्जत नहीं उछालते जिसको हम नहीं जानते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीईओ की वाइफ की, वो एक सीईओ की वाइफ है, वो सीईओ तो नहीं है, खुद को सीईओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीईओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पर नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए, और अपनी वाइफ को ड्रेस पहना के ऑफिस में बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी कमांड तो वही देती है, जिसको रूम देना है उसको दे रही है, जिसको रूम नहीं देना है उसको भी दे रही है, जिसको निकालना चाहती है उसको निकाल रही है, और जिसको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है उसको रख रही है। सारे ऑर्डर तो वही देती है, यहाँ तक कि जवानों को क्या करना है क्या नहीं करना है, सीईओ पहले अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या करना है, उसकी वाइफ जो बोलेगी सीईओ जवानों को भी वही ऑर्डर देता है। अरे जब उसकी बीवी की इतनी चलती है तो उसको ही सीईओ बना दिया जाए, मेरी तो यही राय है कि वो इतना अपना हक जमा के बैठी है कि वो सीईओ की वाइफ नहीं वो सीईओ है, और मुझे बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, तुम मुझे जवाब देती हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ तो वो मुझे मेरी औकात दिखाएगी, वो होती कौन है मेरी औकात दिखाने वाली मुझे। ये मेरी वार्निंग है कि मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम जरूर और जरूर लूंगी और सीईओ और सीईओ की वाइफ का नाम भी लूंगी, और मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज ना किया जाए, और कुछ होता है तो सीईओ और ऐसे और सीईओ की वाइफ का नाम सबसे पहले लूंगी। उन्होंने बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठाई, और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हुए, और उन्होंने दिखाया कि वाकई में वो एक फौजी की वाइफ हैं, और कितनी डिसिप्लिन में है कि उन्होंने हर चीज़ अपनी मर्यादा में रहते हुए उन्होंने बात अपनी आगे रखी, और अन्याय के खिलाफ
आगे बोलना, इसमें भी बहुत बड़ा कलेजा और हिम्मत चाहिए होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सेना में रहते हुए हम जानते हैं कि एक सैनिक अपनी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता है, लेकिन क्या एक यूनिट का ऑफिसर या बॉस होता है सीओ, क्या उसके या उसकी वाइफ कमांड कर सकती है उस यूनिट को? या फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।